नमस्ते, मैं गीता खरा आपको आज कुशन कवर बनाना बताऊंगी। ये हमने कपड़ा लिया, इसकी लंबाई है 25 इंच और इसकी चौड़ाई भी है 25 इंच। अभी हमने 1.5 इंच साइड से छोड़ा है कपड़ा, इधर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। और इधर से भी हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ेंगे। अभी हम इन डॉट्स को मिला देंगे। अभी हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 बना इधर, और इधर पे हम ये 4 इंच अपने बीच में छोड़ा कपड़ा, फिर से इधर से निशान लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी सेम ऐसे निशान हम इधर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बीच में फिर 4 इंच कपड़ा छोड़ेंगे, फिर ऐसे ही निशान लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी हम निशान को मिला देंगे। अभी हमने पूरी लंबाई की साइड से ऐसे निशान लगाते जाना है, और ये लंबाई में हम पूरे 1 इंच का हमारे ये लाइन्स बन जाएंगे। अभी हम इस तरफ से निशान लगा रहे हैं, ये 1-1 इंच पे लगा रहे हैं, अभी हम 9 इंच लगाएंगे, 9 तक हमारे 9 निशान इधर हो गए हैं। फिर अब 4 इंच हमने इधर छोड़ा है, और फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमारे इधर हो गए। अभी हम इन डॉट्स को मिला देंगे, इधर से भी हमारे स्क्वायर बन जाएंगे 1-1 इंच के, ऐसे करते हैं। ऐसे ही हम पूरे कपड़े पे स्क्वायर बना देंगे। ये हमने स्क्वायर बना दिए हैं, हमारा इस टाइप से दिख रहा है बनाने के बाद। अभी हम इन पे निशान लगाएंगे। अभी हमें ये ऐसे निशान लगाना है चारों कोनों, ऐसे क्रॉस करना है। एक छोड़ा हमने एक किया है, फिर एक छोड़ के फिर एक करेंगे, फिर एक छोड़ के फिर एक निशान, फिर एक छोड़ के फिर एक। फिर हमने एक लाइन छोड़ी है, और फिर दूसरी लाइन पे फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे नेक्स्ट बॉक्स पे, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे नेक्स्ट बॉक्स पे, एक एक बॉक्स हम छोड़ते हुए जाएंगे, और फिर एक बीच में पूरी लाइन छोड़ देंगे। फिर ऐसे इस वाली लाइन में करेंगे हम, सेम ऐसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे। ये हमारा इधर से निशान लग गए हैं, और अभी इस बॉक्स को हम छोड़ देंगे। सेम हम इधर भी जैसे उधर लगाए थे निशान, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स में ऐसे निशान लगाएंगे, अब दूसरे में सेम इसको भी ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा
हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमने पूरे पे निशान लगा लिए हैं इधर से उधर। अभी हम सिलना स्टार्ट करते हैं। मैं इस कोने से जाके इसके चारों कोनों पे जाना, पहले इस कोने से स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से, फिर नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे, फिर इस नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे और फिर इधर वाले कॉर्नर पे जाएंगे और फिर वापस से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इधर ही आ गए। अब धागे को अपनी तरफ खींचेंगे, अंदर वाला कपड़ा हमारा धागे के अंदर ना आए, थोड़ा उसको बाहर की तरफ रखेंगे और जब हम सिलेंगे तो धागे को डबल रखेंगे, एक नॉट लग गई, हमें दो नॉट लगानी है ताकि हमारा ये खुले। हम फिर से एक बार और नॉट लगाएंगे, धागे को ऊपर करेंगे ताकि नॉट लग जाए। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे इधर की साइड, फिर दोबारा से इधर से डालेंगे ताकि इधर नॉट लग जाए। ये हमारी नॉट लग गई है इधर। अभी हम इस नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे और फिर इधर वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। अभी वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इधर ही आ जाएंगे। धागे को अपनी तरफ खींचेंगे और इधर से ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे। फिर हम दोबारा से दूसरी साइड से इस धागे को फिर से खींचेंगे और निकाल देंगे। अभी फिर से हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, वापिस से एक बार निकालेंगे, इधर नॉट लग जाएगी। फिर हम इधर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे हमें कॉर्नर टू कॉर्नर चलना, हर एक में कॉर्नर लेना पड़ेगा। सेम हम ये होगी करेंगे, हमारी पूरी लाइन हो गई है कंप्लीट। अभी हम दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं बनाना। सेम ऐसे ही कॉर्नर पे जाएंगे, इधर वाले कॉर्नर पे और फिर इस वाले कॉर्नर पे, वापस से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और इस कपड़े को अंदर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले जाते हैं, फिर से एक बार निकालेंगे, नॉट लगा देंगे, इसे नॉट लग गई हमारी है। नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे, सेम हम ऐसे ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये पहले किया था। वापस से हम इधर लगेंगे, अब इसको अपनी तरफ खींच लेंगे। अभी हम ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करेंगे से पूरा वाला। अभी हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया हमारा एक साइड से। अभी जो हमारे अंदर की साइड गए इनको हम ऐसे ऐसे करके बाहर निकालेंगे, ऐसे करके नीचे से उंगली डालेंगे और ऊपर की साइड निकाल देंगे। ये हमारा ऐसे बन गया है, बनने के बाद हमारा ये ऐसे दिखा है, बॉक्स हमारे उठे उठे हो गए। अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ गए हम नेक्स्ट वाले पे, फिर नेक्स्ट वाले
वाले कॉर्नर पे, फिर नेक्स्ट वाले पे, और फिर वापस से जहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक बार हम फिर से इसके अंदर से निकालेंगे, अब हम नेक्स्ट वाले पे पहुंचते हैं। इधर गए, ऐसे नॉट लगाई हमने फिर से एक बार, और अभी नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे पहुंचते हैं, फिर उसके वापिस से उधर ही जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। धागे को अपनी तरफ खींचेंगे, और इधर एक नॉट लगाएंगे, और एक बार फिर से ऐसे नॉट लगाएंगे। हम इसको ऐसे ऐसे पूरे को कंप्लीट करते जाएंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम अंदर की साइड ऐसे निकाल, जैसे हमने वो किया था, इसको नीचे से उंगली डालेंगे और ऊपर की साइड ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा ऐसे बन गया। इधर की साइड से ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। इधर वाले बॉक्स स्टार्ट करते हैं बनाने। ये भी सेम हम ऐसे ही करते जाएंगे, और दूसरे वाला भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। सेम अभी हमारे ये 3 बॉक्स बन गए हैं हमारे। ये ऐसे ऐसे ही हम ये 4th वाला बॉक्स कंप्लीट करेंगे। जाएंगे सीधे लाइन वाइज, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन, सेम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा हो गया 4 बॉक्स कंप्लीट। इसको हम जैसे हमने पहले निकाला था ऐसे इनको बाहर की तरफ निकालेंगे। ये हमारा बन के ऐसे दिख रहा है। ये हमारा बन के ऐसे रेडी हो गया। अभी हम इसको साइड से, पहले हम पिन से पिन लगाएंगे इसमें, फिर उस बाद में सिलाई करेंगे इसे। ऐसे ऐसे हम इसकी प्लेट्स लगा देंगे, पहले साइड वाली। ये हमारी प्लेट्स लग गई है, हमारा ये कुशन कवर भी हम इसको सिल देंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।